जालौन कठौत थाना क्षेत्र ग्राम सराही चेलापुर में एक 1.5 महीने की बच्ची पानी से भरे टब में डूबकर मौत हो गई। बच्ची की मां जलसा पत्नी रुपेन सिंह ने अपनी जेठानी पर अपनी बेटी गुड़िया को पानी में डुबाकर मारने का आरोप लगाया है। ये 2 दिन पूर्व जानकारी आई थी कि कठौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिहारी ग्राम है, जहाँ एक महिला जिसका नाम जलसा है, उसकी 1.5 माह की बच्ची दीक्षा, जिसको घर पर झूले पर लेटाकर बैंक गई अपने चेट के साथ कुछ सरकारी काम के लिए, बैंक के काम के लिए, जब लौट के आई तो वो बच्ची पानी के एक टब में गिरी हुई मिली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो परिवार वाले हैं उनकी एप्लीकेशन पर उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विवाद है घर में, जो महिला है उसने अपनी जेठानी पर आरोप लगाया है इस घटना को लेकर, लेकिन अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं बनी है। क्या घटना हुई? ये घटना हुई साहब कि वो झूले में पड़ी थी लड़की, उसको मार के टप में डाल दिया गया है जी। कैसे मालूम पड़ा? ऐसे मालूम पड़ा जब फोन गया, या हमारी बहन वहां से आई, बैंक से, बैंक गई थी जेठ के साथ, दोनों लोग आए तो उसको जाकर उसने जब झूले तरफ देखा, उसकी नजर गई तो झूले में बच्ची नहीं थी। जब वहाँ भड़भड़ानी वो देखा तो टप में पड़ी हुई थी, 1.5 माह की बच्ची थी साहब, ना चलने वाली थी ना कुछ करने वाली, पलटी भी नहीं खा सकती बच्ची वो, और टप में मिली आग। दफना क्यों दिया टप में? दफना तो ये घर वालों ने दफनाया होगा साहब, जब हम गए तो हमने 100 नंबर कॉल की, इसके बाद पुलिस को प्रशासन दिया, इसके बाद फिर वो मिट्टी उखड़ाई गई एसडीएम द्वारा, पुलिस ने पूरी कार्रवाई पूरी की अपनी। सूचना मिलते ही थाना दीपक मिश्रा अपने दल बल के साथ गांव पहुंचे, जहां पर घटना की स्थिति को देखा, और मौके पर सीओ संजय कुमार शर्मा भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर मां जलसा देवी ने पुलिस को बताया कि मैं कल दोपहर 2 बजे तक बाजार करने गई थी, उसी समय मेरी जेठानी सोमवती पत्नी पुष्पा ने मेरी बेटी को पानी टब में डुबा कर मार डाला है और ले जाकर खेत में दफन कर दिया, और आज मेरे मायके वाले जब आए तब कहीं जाकर मामला पुलिस को बताया गया। थाना अध्यक्ष दीपक मिश्रा पुलिस ने टीम के साथ मौके पर सीओ जालौन संजय कुमार शर्मा पहुँच कर से सब निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। रिपोर्ट रविकांत, जालौन, उत्तर प्रदेश।